अरे गुरु जी के पास करोड़ों आदिवासी, मूलवासी, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, उनकी विश्वास की संपत्ति है, वो उनके पूंजी के मालिक है। और आप पूंजियावाद करते हैं, आपको शोभा देता है क्या? आप क्या चाहते हैं कि किसी के बोल देने से किसी का चरित्र हनन हो जाएगा क्या? तब तक आप लोगों का चरित्र का जो महिमा मंडन और अभिनंदन हम लोग करेंगे उसको बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। बाबूलाल जी आप बताइए आपकी संपत्ति कितनी है, आप नहीं बताएंगे तो हम बताएंगे आपको कि आपकी संपत्ति कितनी है, क्योंकि आपको याद भी नहीं है कि आपने अपनी कितनी संपत्तियां कहां कहां रखी हुई। बहुत सारी संपत्तियां आपकी है, सारे संपत्ति का खोज हम लोगों को है। ये क्या तरीका होता है? अब जब दिल्ली हाई कोर्ट का एक स्टे मिला, ये लोग झुंझला गए। दिल्ली हाई कोर्ट का एक नोटिस मिला, लोग झुंझला गए। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर से बहुत जल्द पर्दा उठेगा। यदि ये पत्र जो आपके द्वारा जारी हुआ था, इस पर यदि आप अपना आज का सफाई नहीं देंगे तो हम लोग ये समझ लेंगे कि आप कितना बिलबिला हो चुके हैं। आप जज के भूमिका में कि सदस्यता चल जाएगी, किसकी सदस्यता जाएगी? आज तो ये यक्ष प्रश्न है, किसकी सदस्यता जाने की बात कर रहे हैं? यह तो काल तय करेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष जी, क्योंकि आपका भी नाम आया हुआ है, आपके देखरेख में रणधीर कुमार सिंह जी को महेश पोद्दार जी के द्वारा 2 करोड़ रुपए दिए गए, उस पर खुलासा कीजिए। जो सांसद है सुनील सिंह जी चतरा के, उनको बताना पड़ेगा गणेश गंजू जी को कब और कहां पर 2 करोड़ रुपए दिए गए। विपक्ष के मुख्य सचेतक है बिरंची नारायण जी, संवैधानिक पद पर, वो बताएं कि अमर कुमार बावड़ी जी को 1 करोड़ रुपया कब दिए थे। और इस सदी के जो राजनीतिक महानायक पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी हैं, वो जानकी यादव जी को 2 करोड़ रुपए कब दिए, और जो शेष रुपए 36 माह में देने थे वो रुपए उनको मिला या नहीं मिला? क्योंकि ये तो कौतूहल का विषय है। भाजपा के मेरे भाई लोग ठगे जाएंगे भाजपा के द्वारा, ये हम लोगों को बर्दाश्त। बिकने वाले लोगों का नेता भी बिक गया। तो बाबूलाल जी आप बताइए 2020 में आपको कितना मिला? यदि 6 के लिए 11 करोड़ और शेष 36 महीने में, तो आप अपना कीमत क्या लगाए थे? थोड़ा अपना प्राइस टैग भी दिखाइए और उसमें जीएसटी कितना लगा वो भी बताइए, ताकि उससे राज्यांश जो है, जो स्टेट का टैक्स है, वो राज्य के कोषागार में जमा हो सके। जो अपने विचारों से भी का सौदा करता हो,
जो अपने सैद्धांतिक मूल्यों का सौदा करता हो वो चले हम आग दिखाने। कुतुब मीनार से कूदे, ये भाषा बाबूलाल जी का न केवल हम इस पर अपना धिक्कार पेश करते हैं, वरन उनसे सार्वजनिक तौर पर माफी की मांग भी करते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।